डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी की तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग अपना पहला कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात होगी कि वैकेंसी अभी नहीं आई है और हम लोगों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। डेफिनेटली इसका बेनिफिट एग्ज़ाम के दिन मिलेगा, जब हम अधिकतर प्रश्नों को सही सही हल कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले परसों यानी 22 जुलाई के जो एपिसोड आएंगे उसके सिलेबस यानी उसके टॉपिक्स तय हो गए, तो आप इसे समझ लें, नोट डाउन कर लें। परसों जो एपिसोड आएगा उसके टॉपिक्स डिसाइड हो चुके हैं। ये है टॉपिक, बिहार से रिलेटेड एक टॉपिक है। हमने पहले भी कहा है कि बीपीएससी में बिहार से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पीटी में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। इस बार जो 63वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए उसमें पर्सनैलिटी से 5 क्वेश्चंस थे। श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, शाह जुबैर, सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये सारे नाम एग्ज़ाम में दिखे। तो अगर आप पर्सनैलिटीज़ को बराबर, एक पर्सनैलिटीज़ को हर टॉपिक में करेंगे तो ये सारा कवर होगा और एग्ज़ाम के दिन इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोगों ने, और दूसरा ये कि बिहार का मैप फिजिकल और पॉलिटिकल हम लोग करेंगे बराबर हर टॉपिक में, ताकि बिहार के मैप को समझ लें और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। इस बार 63वीं में मैप से 2 क्वेश्चन था, तो ये 2 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, प्लस हम लोग टॉपिक अदर्स जो टॉपिक होंगे वो भी हम लोग करेंगे। तो परसों का जो टॉपिक डिसाइडेड है वो है राजकुमार शुक्ल। पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में राजकुमार शुक्ल, ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए मनाया था बिहार आने के लिए। तो राजकुमार शुक्ल का पूरा बायोग्राफी, उनका पूरा जो लाइफ स्पैन है उसको हम लोग नेट से या ऑफलाइन जहाँ से भी संभव हो उसको कंटेंट को निकालेंगे, एक टॉपिक। दूसरा, बिहार का मैप बाउंड्रीज में बिहार की सीमा करेंगे, यानी बिहार की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है और किस विदेशी राज्य से मिलती है, तो ये दूसरा टॉपिक हुआ। और तीसरा, ज्योग्राफी से करेंगे हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। 3 टॉपिक हो गया, ये परसों के एपिसोड के टॉपिक हैं। आप इसे ध्यान में रखें, आपको इसे पढ़ना होगा और इसे समझना होगा, ताकि हम लोग परसों जब ये टॉपिक करें तो हमें ये लगे कि हमने भी इसे पढ़ा है। जो भी आपके पास बुक है आप उसे कंसल्ट करें और इस टॉपिक को कवर करें। मैंने इस आपको अगेन क्राउन के बारे में कहा था, तो अगर ये क्राउन नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी जीएस की बुक है, गाइड बुक है, आप उसे कंसल्ट करें, सोलर सिस्टम को आप पढ़ लेंगे। दूसरी बात यह है कि अखबार पेपर की बात हो रही थी करंट अफेयर से संबंधित, तो हमने तो हिंदुस्तान युवा कहा है लेकिन हर जगह ये पेपर नहीं मिलता, तो जो भी आपके पास पेपर मिलते हैं उसके करंट अफेयर्स उससे आप निकालें और इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने आज करंट के पेपर से ये क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्ज़ाम में संभव है, आ सकता है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं करंट अफेयर से क्वेश्चन। जैसे कि 3 दिनों पहले एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर घटना घटी और ये बड़ा क्वेश्चन बन गया, थाईलैंड की गुफा में एक बड़ी घटना घटी और ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाया रहा ये घटना। डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं चूँकि इस पर प्रश्न आएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा, 2-3 दिनों पहले हमारे गृह मंत्री बांग्लादेश गए थे, वहाँ उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आप अखबारों में आप खोजें करेंट अफेयर्स, ये धीरे धीरे कलेक्ट हो होंगे तो एक दिन एग्ज़ाम के दिन आपका अच्छा खासा कलेक्शन होगा और ये काम आएगा। अब बात आती है कि बीपीएससी जब निकालना है तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को समझना और उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को फिर समझना। ये 2 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को निकालना आसान हो जाता है। तो बीपीएससी के सिलेबस को पहले समझते हैं। बीपीएससी 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम लेती है, पीटी, मेन और फिर इंटरव्यू। जब ये वैकेंसी निकालती है तो आप वैकेंसी को के फॉर्म को भरते हैं। याद रखें 20 साल से 37 साल जनरल कैटेगरी में, 20 साल से 37 साल के लोग इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, महिलाएं 40 साल तक, कैटेगरीज में फिर 40, 42 और 45 साल तक एज बढ़ जाता है और हैंडीकैप्ड को 10 साल का, जिस भी कैटेगरी में वो हैं 10 साल का एक्सटेंशन उनको मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो और 10 साल बढ़ाकर वो अपने एज को काउंट करेंगे मैक्सिमम एज। तो इस तरह से एज वाइज आप बैठ सकते हैं बीपीएससी में।
हालांकि डीएसपी में भी 20 का एज है, बाकी सारे सर्विसेज में एज आपका 21 साल पुराना चाहिए, 21 ईयर्स ऑफ एज आपका मिनिमम होना चाहिए। बीडीओ, सीओ, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, ये सारे सर्विसेज में जेल सुपरिटेंडेंट, लेबर ऑफिसर, तो इसमें 21 ईयर्स मिनिमम आपके एज होने चाहिए। डीएसपी में 20 से शुरू हो जाता है। तो एनीवे, ये आप फॉर्म जब भरते हैं तो फॉर्म भरने के कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 महीने में बीपीएससी अपने पीटी के एग्ज़ाम लेती है, जिसमें वैकेंसी में जितनी सीट्स होती हैं उसका 10 गुना वो रिज़ल्ट देती है। अगर 300 सीट है तो रिज़ल्ट 3000 आएगा। 10 गुना रिज़ल्ट आने के बाद मेंस का फॉर्म भरने के लिए फिर बीपीएससी आपसे कहती है दो से तीन महीना में आप मेंस के फॉर्म भरते हैं और 4 से 6 महीना में मेंस के एग्ज़ाम होते हैं। बीपीएससी का मेन का एग्ज़ाम अब सिलेबस बदल गया है, तो इसे आप समझ लें। अब बीपीएससी 1 ऑप्शनल और 2 जीएस पर मेन के एग्ज़ाम लेती है। पहले 2 ऑप्शनल होता था, 1 जीएस, अब 2 जीएस जनरल स्टडीज़ के पेपर और 1 34 ऑप्शनल पेपर में से कोई भी एक पेपर आप चुनेंगे, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पाली, कोई भी सब्जेक्ट, 34 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो वैकल्पिक विषय कहलाता है आप चुनेंगे। इससे मतलब नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन या एमए किस सब्जेक्ट में किया है, आप कोई भी 34 में से एक सब्जेक्ट बीपीएससी के ऑप्शनल के लिए चुन सकते हैं, जो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे एग्ज़ाम होता है, और 2 पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस या इन्वायरमेंटल साइंस, करंट अफेयर्स, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं बिहार से रिलेटेड, और 300 मार्क्स के ये पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, यानी मेन के पेपर 900 नंबर के होंगे। 900 नंबर में इस तरह के आपके होंगे, पीटी का एग्ज़ाम 150 प्रश्न का होगा, उसके बाद मेन का पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 जीएस 1 300 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का जो जीएस 2 होगा, उसके पेपर 3 आपका हिस्ट्री हमने लिखा है, कोई भी ऑप्शनल पेपर हो सकता है, 300 मार्क्स का होगा, 900 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें एक हिंदी का पेपर भी सामान्य हिंदी का लिया जाएगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पहले ही दिन मेन के आपको हिंदी का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 30 नंबर लाने हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, हिंदी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और पहले हिंदी की ही कॉपी जचती है। अगर आपने 29 मार्क्स लाया तो आगे आपकी कॉपी नहीं जचेगी और इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसलिए सिर्फ पास मार्क्स आपको लाना होता है। तो ये बातें हम लोग बाद में करेंगे, हिंदी के वो क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे लाए जाएं। 900 मार्क्स का मेन का पेपर होगा, 2 जीएस और 1 ऑप्शनल। इसमें आप अगर 55% स्कोर करते हैं तो रिजल्ट आपका आ गया, 58% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप रैंक लाते हैं, आपको मन माफिक पोस्ट मिलता है, 55% में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह से 900 मार्क्स का मेन होगा, आप ये ध्यान रखें 54 से 55% मिनिमम आपको लाने होंगे इस मेन के एग्ज़ाम में। उसके बाद 120 का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 80 नंबर अगर आप ले आते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, 90 मार्क्स में रैंक मिल जाता है। तो ऑल टुगेदर 1020 मार्क्स का आपका मेरिट बनेगा, मेन और इंटरव्यू दोनों मिलाकर 1020 का 1020 मार्क्स का ये मेरिट तैयार होगा और आपका रैंक इसी से बनेगा, 55 से 58% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बीपीएससी का ये पैटर्न है, लेकिन पीटी का आप समझ लें, 150 मार्क्स का ये जो पीटी का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम दरअसल बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी छकाने वाला होता है। इसमें 4 ऑप्शन के साथ साथ 5वां ऑप्शन भी रहेगा और ये काफ़ी छकाने वाला, परेशान करने वाला होता है, तो इस पर प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा। 150 में 10 मार्क्स मैथ और रीजनिंग के होते हैं, ये 10 मार्क्स अब ऐसे आते हैं जो बनने वाले होते हैं, जिसमें ज्योमेट्री, अरिथमेटिक या फिर अलजबरा जैसे सब्जेक्ट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के प्रश्न आते हैं जो बनने वाले होते हैं। हालांकि जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है फिर उनको परेशानी होती है, तो वहाँ पर वो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, 10 में से 3 भी अगर आपने सही कर लिया तो अच्छा माना जाता है।
लेकिन अब मैथ बनने वाले होते हैं 5 से 6 बनाए जा सकते हैं। 150 में अगर आप 100 मार्क्स ले आते हैं, जनरल कैटेगरी में आप हैं तो ओनली 100 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो पीटी क्वालिफाई हो जाता है। कैटेगरीज में तो आप 95 ओबीसी में, और गर्ल्स हैं तो 90 ही अगर आप ले आते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। जनरल में अगर आप फीमेल हैं तो 90 में सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप ओबीसी हैं तो 85 to 88 के आसपास में सिलेक्शन हो जाता है गर्ल्स का। तो ये आप इस तरह का पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इसको आप समझें। बीपीएससी की तैयारी इसी तरह से हम लोग करेंगे, पहले पीटी की तैयारी ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अचानक से मेन की तैयारी स्टार्ट कर देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी सब्जेक्ट भी नहीं चुना है, उन्हें सिलेबस पता नहीं है, तैयारी का तरीका पता नहीं है, और ये थोड़ा सा टफ भी होता है। तो हम लोग अभी कुछ दिनों तक प्रीलिम्स की ही तैयारी करेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे स्टेजेस को बढ़ाएंगे और मेन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस तरह से ये समझ लें कि बीपीएससी इस स्टेज इस तरह से एग्ज़ाम लेती है, और हमें अपनी तैयारी को इस तरह से आगे बढ़ाना है। 3 टॉपिक आपको परसों के दिए जा चुके हैं, आप इसे करें, और हम लोग फिर परसों इन टॉपिक्स के साथ कुछ और करंट अफेयर्स और दूसरे प्रश्नों के साथ भी हम लोग मिलेंगे, और धीरे धीरे इस 64वीं बीपीएससी की तैयारी को कंसोलिडेट करेंगे, ताकि हमारी तैयारी में कोई कमी ना रहे और हमें ये अफसोस ना रहे कि हमने ये छोड़ दिया, ये ही रह गया, और करंट अफेयर्स में फिर परेशान होते हैं क्या पढ़ें, कितने महीना का पढ़ें। कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स करना होगा एग्ज़ाम से पहले। अभी से हम लोग कर रहे हैं तो ग्रेजुअली काफ़ी तैयार हो जाएगा काफ़ी कुछ, तो इसके लिए हम लोगों को अब सोचना नहीं पड़ेगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। बिहार के लिए आप क्राउन का ले लें, बिहार का सामान्य ज्ञान, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का कोई भी गाइड बुक आपके पास है अभी आप उससे पढ़ें। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे चलेंगे। मैप के लिए बिहार का मैप, ये 10 रुपये की आती है, इसे आप कम से कम एक मैप इस तरह का ज़रूर आप टांगें, और इसे आप डेली देखें। हम लोग मैप को पॉलिटिकल और फिज़िकल कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि मैप पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे लिए परेशानी का कारण ना बने। परसों हम लोग फिर मिलते हैं, टॉपिक आपको मिल चुका है, आप 2 घंटे डेली दें, उसके बाद हम लोग इस बीपीएससी को क्रैक करेंगे सक्सेसफुली, और अधिकारी बनने का वो रास्ता हम लोग क्लियर करेंगे जो बड़ी मुश्किलों भरा है और बड़ी चिंताएँ देता है। इतनी तैयारी के बाद भी सालों साल लग जाते हैं, हम लोग इस एक एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, और प्रॉपर तैयारी का तरीका हमें नहीं पता होता। तो आप लग जाएं, इस एग्ज़ाम को इस बार निकालना है, हम लोग साथ चलेंगे। परसों फिर मिलते हैं, 8 से 10 बजे के बीच एपिसोड्स आ जाएंगे होपफुली। कभी कभी नेटवर्क या दूसरे कारणों से डिले भी हो जाता है, वो भी ध्यान में रखेंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं परसों, टेक केयर।